रियलमी ने कल अपने चार नए प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर लॉन्च किए थे, लेकिन चार प्रोडक्ट से रियलमी का तो पेट नहीं भरने वाला। इसीलिए रियलमी ने आज ये कंफर्म किया है कि रियलमी अपने तीन और नए प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर अगले हफ्ते लॉन्च करने वाला है। 30 सितंबर को रियलमी के दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले है। पहला प्रोडक्ट होगा रियलमी का नया वैक्यूम क्लीनर एंड दूसरा प्रोडक्ट होने वाला है रियलमी का नया एयर प्यूरिफायर। 1 अक्टूबर को रियलमी अपना एक नया वॉशिंग मशीन भी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। यानी कि रियलमी के स्मार्टफोन्स एंड ईयरफोन्स के अलावा रियलमी के काफी सारे नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हमें मार्केट में दिखने को मिलने वाले हैं। क्या आप लोग रियलमी के नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो, तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज, हम लोगों को पता है कि सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन इंडिया में 28 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, लेकिन गाइज इंडिया लॉन्च से पहले ये स्मार्टफोन यूरोप में कल अनाउंस हो गया है। कल रात को ये स्मार्टफोन यूरोप मार्केट में अनाउंस हो गया है, लेकिन यूरोप मार्केट की प्राइस अभी भी सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं की, लेकिन इसके फीचर्स सामने आ चुके हैं। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के अंदर हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाएगा और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 770 AG का प्रोसेसर भी मिलने वाला है। और गाइज, ये स्मार्टफोन इंडिया में 30,000 से कम की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। और अगर आपको 30,000 रुपए से कम की प्राइस पर कोई नया स्मार्टफोन परचेस करना है, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और गाइज, अगली न्यूज भी सैमसंग के बारे में ही है। तो आज सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus एंड S22 Ultra के रेंडर्स ऑनलाइन सामने आ चुके हैं। और गाइज, ये रेंडर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। S22 Plus के रेंडर्स को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि डिजाइन के मामले में S22 Plus S21 Plus जैसा ही होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ हमें माइनर छोटे मोटे एक दो चेंजेस ही मिल जाएंगे, लेकिन डिजाइन के मामले में S22 Ultra काफी डिफरेंट होने वाला है। S22 Ultra के अंदर हमें एक नया कैमरा मॉड्यूल भी मिल जाएगा और S22 Ultra की डिजाइन नोट सीरीज जैसी होने वाली है। यहाँ पर हमें एस पेन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, इनबिल्ट एस पेन का भी सपोर्ट S22 Ultra के अंदर हमें मिलने वाला है। यानी कि S22 Ultra स्मार्टफोन फाइनली नोट सीरीज को रिप्लेस करने वाला है। ये न्यूज आपको कैसी लगी और ये रेंडर्स आपको कैसे लगे, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज, Xiaomi CV स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि Xiaomi CV स्मार्टफोन के अंदर हमें एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और यहां पर हमें स्नैपड्रैगन 770 AG का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। और गाइज, ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन चाइना के अंदर 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। और गाइज, आज की आखिरी न्यूज ओप्पो के बारे में है। तो ओप्पो ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया स्मार्टफोन ओप्पो A55 इंडिया के अंदर 1 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। और गाइज, इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी मिल जाएगा। रियल साइड पे यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिलने वाला है। और गाइज, ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 15,000 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। गाइज, आज सैटरडे था इसीलिए टेक न्यूज थोड़ी कम थी, लेकिन जितनी भी टेक न्यूज थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते और भी काफी सारी टेक न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।